हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, 8.4 का आज फिफ्थ क्वेश्चन करना है हमें, जिसमें 10 पार्ट्स हैं। और बच्चों, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके सामने कई नई मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों को हल करने का एक ही तरीका है। जितने भी फॉर्मूले अब तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवाए हैं, वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर वो टिप्स पे फॉर्मूले याद है, तो आप उसका आंसर सेकंडों में निकाल दोगे, मिनट में भी नहीं, सेकंड्स में निकाल दोगे, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो। चलिए, एक एक करके मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूं, और आप खुद देखिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के बेस पे किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्रूफ करने की बात आती है, तो बच्चों हम प्रूफ कर सकते हैं इसे, ठीक है? इससे इसको भी कर सकते हैं, इससे इसको भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके हैं हमारे पास। लेकिन जैसे हमें कोई सा भी जो सही लगे, ठीक है? अगर दोनों टर्म बड़ी है तो किसी को भी सॉल्व करो, अगर एक टर्म बड़ी है एक टर्म छोटी है तो बड़े टर्म को सॉल्व करो। तो मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को। हाँ जी, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, कॉसेक थीटा, अब देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे केस में क्या करें भाई बच्चों, ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमें कोई भी फॉर्मूला बनता हुआ ना दिखाई दे, या कोई कंडीशन समझ में ना आए, तो कंडीशन एक ही बनती है, सारी टर्म को साइन में और कॉस में चेंज कर दो। जैसे कॉसेक है भाई, कॉसेक को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। भाई कॉट को कैसे कर सकते हैं? कॉट होता है कॉसेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये क्या बनेगा? नीचे साइन कॉमन, ठीक है? नीचे साइन कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा? क्यों? जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी? अब देखिए, जो मेरे को प्रूफ करना है बच्चों, उसका ऊपर वाला हिस्सा मुझे मिल चुका है, बस ये नीचे वाले को किसी तरीके से चेंज करके इसके बराबर ले आऊं, तो कैसे होएगा देखेंगे। हाँ जी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सभी बच्चे अपने सामने फॉर्मूले की लिस्ट निकाल लेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो अगर आपने फॉर्मूले की लिस्ट देखी है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूले में? देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर दिखाई दे रहा है, सही बात है? अच्छा, इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, तो अगर स्क्वायर ले लूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा फर्क। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये a² - b² जैसा दिख रहा है, जी बिल्कुल। तो ए का स्क्वायर यानी ए माइनस ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, देख रहे भाई? तो यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के आपके क्या आ गया बच्चों? बराबर आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से करना होता है। और देख रहे हो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूव करने के लिए बोल रहा है 2 sec a। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी देखिए, अब ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, तो बड़े टर्म से छोटे टर्म को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? दो कंडीशन बताई, या तो कोई फॉर्मूला बनता हो दिखना चाहिए, भाई नहीं बन रहा, या तो टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो जरूरत ही नहीं है, पहले से ही साइन और कॉस के टर्म में है। अब जब पहले से ही साइन और कॉस के टर्म में है, तो बस हमें क्या करना है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन लगानी और सॉल्व करना है। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे को नीचे से करोगे तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। हाँ जी सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 1 साइन ए।
कॉस ए वन प्लस साइन ए। हाँ जी, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको आगे लिख लो, प्लस वन का स्क्वायर वन और ये टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने फॉर्मूलों में पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो बस वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए। वन प्लस वन कितना होगा, टू प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए। भाई टू कॉमन ले लो, वन प्लस साइन ए कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा। भाई वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या, टू अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और आप अच्छे जानते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू इंटू में वन अपॉन में कॉस ए। सही बात है बच्चों। अब देखो वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है जल्दी बताओ, सेक ए, क्योंकि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। क्या यही प्रूफ करना था हमें, हो गया करो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, करो। उतारो बच्चे, इसको उतारो। ठीक है, मिटाओ इसे। देखिए अब हम इसके बाद करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। बस आपको थोड़ा सोचना है, बस खत्म कहानी, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलिए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल फिक्स तरीके से होएगा, जो तरीका मैं करवाने वाला हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाना है रूट वाला पार्ट, ठीक है, ये उठा लेना है, और करना रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन, हर के परिमेयकरण द्वारा, हर के परिमेयकरण द्वारा। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे होता भाई, जो चीज यहां है वही चीज यहां होगी, बस फर्क इतना है, अगर यहां माइनस है तो यहां बीच में क्या होगा भाई, प्लस, और अगर यहां प्लस होता तो यहां बीच में क्या होता भाई, माइनस। ठीक है, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये आपको ए माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, तो यानी वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और आप सब अपने फॉर्मूलों के लिस्ट में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सही बात है। चलिए अब आप इन सभी का बच्चों स्क्वायर कॉमन ले लो,
क्या ले लो, स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन। तो क्या देखोगे आप, रूट से स्क्वायर कट गया, और जब रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, कॉस को एक बार इसके नीचे ले लो, एक बार इसके नीचे ले लो, वन अपॉन कॉस ए क्या बनता है, बनता बच्चों जल्दी बताओ, वन अपॉन कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक का, और साइन अपॉन कॉस किसका होता है, टेन का। तो बताओ क्या मैंने कोई भी काम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा किया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई करता जा रहा हूं और बस मेरा आंसर आता चला जा रहा है। तो यानी बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप चुटकी बजा के करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, प्रूफ करना है टेन थीटा के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो वही है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, जी आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा। अगर बच्चों मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं तो इसकी जगह बचेगा वन माइनस टू साइन क्यूब थीटा, एक निकाल दिया बचा कितना, स्क्वायर। इस तरह नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो टू क्यूब है तो एक निकाल दिया बचा दो, ये तो पूरा ही निकल गया, बच गया एक। अब क्या करो, देखो भाई हमें टेन थीटा प्रूफ करना है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता ही टेन थीटा है, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो बच्चों बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि या तो साइन स्क्वायर को चेंज करो या तो कॉस स्क्वायर को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, अपने आप ये सब कुछ कट रह जाएगा। कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है बच्चों। अंदर मल्टीप्लाई टू टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, दो में से एक गया एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है बच्चों, दो में से एक गया एक। ये अब देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, टेन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, जी हाँ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। चलो अब इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, या 8 से पहले फोर्थ देख लो। ठीक है, 8 से पहले क्या देख लो, फोर्थ। हाँ जी, तो वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। ठीक है जी, चलो ये प्रूफ करना है। चलिए भाई पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों ही बड़े हैं तो किसी को भी ले लो लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, अब देखो वन प्लस सेक ए कोई फॉर्मूला नहीं बनता, जब कोई फॉर्मूला ना बने तो क्या करते बच्चों, साइन कॉस में चेंज। तो वन प्लस, हाँ जी, सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, सेक ए क्या होता है, वन अपॉन में कॉस ए, बस कर दो चेंज, इसको इससे कॉस ए प्लस इसको इससे वन, नीचे को नीचे से कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए बच्चों, इसके नीचे ये है पलट दो, तो पलट दोगे तो कॉस ए ऊपर और वन नीचे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बच गया कॉस ए प्लस वन। भाई ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं, तो प्रूफ जब ना हो, जब बच्चों प्रूफ ना हो और कोई कंडीशन भी ना बन रही हो उसको प्रूफ करने की, तो पता है क्या करते हैं हम, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो एलएचएस सॉल्व करते करते आप एक पोजीशन पर आ गए लेकिन वो आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आरएचएस को भी सॉल्व करो। ठीक है, तो करो आरएचएस को सॉल्व। हाँ जी, ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस वन, हाँ जी, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। अरे भाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो क्या ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर नहीं होगा, जल्दी बता दो,
जी बिल्कुल होगा। अब बताओ, वन के ऊपर अपने आप स्क्वायर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। अच्छा, अभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है? बिल्कुल, तो बस ए माइनस बी ए प्लस बी, वन माइनस कॉस ए, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बच गया वन प्लस कॉस ए। तो देखो, ये भी वन प्लस कॉस है, ये भी वन प्लस कॉस है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। करो बच्चों, नोट करो इसे, वीडियो पॉज करो और नोट करो। हाँ जी भाई, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, फोर्थ कर लिया, सिक्स्थ कर लिया, सेवन्थ कर लिया, एट्थ नाइन्थ टेंथ कराता हूँ मैं। हाँ जी, एट्थ। देखो भाई, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है सेवन प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, कोई फॉर्मूला बनता हो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बना सकते हैं। कैसे भाई? इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसी तरह फिर इस पे लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो भाई, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तो जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसको एक साथ रख लो। ठीक है, अब देखो भाई, टू साइन ए, भाई कॉसेक ए वन अपॉन साइन ए होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, अब ये टू कॉस ए सेक ए क्या वन अपॉन कॉस ए नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए को का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, किसके साथ? सेक स्क्वायर के साथ, तो भाई यहां आपने कर दिया। अब देखो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूले के अनुसार वन होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, टू, कॉस ए कैंसिल, टू प्लस। हाँ जी, क्या मुझे जो प्रूफ करना है वहां क्या कॉसेक स्क्वायर चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्या सेक स्क्वायर चाहिए? जी नहीं चाहिए। तो बस फॉर्मूला देखो। हाँ जी, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? जी ये वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। कहाँ पता चला? फॉर्मूले में। भाई सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? भाई सेक स्क्वायर ए वन प्लस में टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये भी पता है हमें। कहाँ से पता चला? फॉर्मूले से। बस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन आ गया भाई। पहले क्या चाहिए? टेन, तो टेन को उठा के रख लो। बाद में क्या चाहिए? कॉट, कॉट को उठा के रख लो। ये लो जी, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो देख रहे हो क्या है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो भैया झंडे गाड़ दोगे आराम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या भाई? नाइन्थ क्वेश्चन,
कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर वन अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ है। चलो भाई शुरू करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते क्योंकि दोनों ही बड़े हैं, किसी को भी कर देख लेंगे। हाँ भाई करो इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले। तो भैया कॉसेक ए चेंज कर दो किसमें, साइन ए में, साइन ए कुछ नहीं अपॉन में वन, सेक ए क्यों ना वन अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन वन। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, ठीक है, वन को वन से करोगे वन, साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर ए साइन ए, वन को वन से करोगे वन, कॉस को कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, मल्टीप्लाई देखो। हाँ जी अब भाई कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ जी बन रहा है, क्या बन रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है भाई। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन से एक साइन कटा कॉस से एक कॉस कटा तो आया क्या, साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए भाई, ये तो इसके बराबर आया ही नहीं। तो जब नहीं आया तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब किसी पोजीशन में जाके रुक जाओ तो हमें क्या करना होता है, आरएचएस को भी सॉल्व करना होता है। तो चलो भाई आरएचएस को सॉल्व करो, तो वन अपॉन टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट का मतलब कॉस ए अपॉन में साइन ए। हाँ जी अगले स्टेप में वन अपॉन साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन को ए से करेंगे साइन ए कॉस ए। भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन अपॉन में साइन ए प्लस सॉरी साइन ए इंटू में कॉस ए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब नंबर के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो पलट जाता है, और पलट के कहाँ चला गया, ऊपर साइन ए कॉस ए, क्या दोनों बराबर आ गए, जी दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, और यही आपका क्या है आंसर है, हेंस प्रूव्ड। करो जल्दी करो, फिर टेंथ कराता हूँ, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए मिटा रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब आपको देखना 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर प्रूव करो वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करो टेन स्क्वायर ए के, ये है भाई रिजल्ट। सेकेंडों का सवाल है बच्चों, देखो कैसे, पहले इसको इसके बराबर प्रूव करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ सबसे इधर वाला, वन प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है जी,
चलो क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूले में होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूले में होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है जी, हाँ जी, sec का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। हाँ जी, cosec का उल्टा क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। सही बात है, फॉर्मूले में देख सकते हो सारी चीजें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के। हो गया, हैंस प्रूव्ड। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इस पे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें किसके बराबर प्रूव करना है? टेन स्क्वायर के, मतलब अब इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। चलो भाई, ठीक है, तो ये हो गया भाई। क्या अब देखो, अब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो जब अब कोई फॉर्मूला ना बने तो क्या करेंगे भाई, जल्दी बता दो। अब हम चेंज करेंगे, ठीक है, किसमें? साइन कॉस में, तो साइन ए अपॉन कॉस ए 1 अपॉन 1, इसका क्या बनेगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। हाँ जी, कॉस, और ये तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको इससे, इसको इससे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन पलट दो। हाँ जी, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। भाई देखो, मुझे आंसर में चाहिए टेन, और टेन कब बन सकता है? साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब ये दोनों फालतू है, काटना पड़ेगा, लेकिन कट तो सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन है माइनस कॉस है। कोई बात नहीं भाई, हम एक जुगाड़ लगाएंगे। क्या इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, किसी एक में से। तो मान लीजिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो कॉमन जो ले रहा हूं, कॉमन आ थोड़ी रहा है, मैं तो जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं। और जब हम जबरदस्ती कॉमन लेते तो होता क्या है? ऐसे केस में ये होता है कि जो माइनस वाली चीज होती है वो प्लस में हो जाती है, और प्लस वाली जो चीज होती है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बचा क्या? माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर माइनस, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस का टेन का स्क्वायर करोगे तो वापस किसका बन जाएगा? प्लस का। और यही हमें क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। ठीक है, जल्दी से नोट करो, और नोट करके मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद फिर दो क्वेश्चन रह जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? फिफ्थ। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देना आप लोग। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये करके दिखा दो मुझे जल्दी से, वीडियो पॉज करके। कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब प्रूव करके दिखाओ, कॉस ए के माइनस वन कॉस ए के प्लस वन करो। जल्दी नोट करो वीडियो पॉज करके, और इसे करके भी दिखाओ। देखना चाहूंगा मैं कि कितने बच्चे इसे सही करके दिखा देंगे। जिन जिन का सही हो जाए वो अपने आप को तारीफ के काबिल समझेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं सॉल्व कराता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, सॉल्व कीजिए भाई। कोई फॉर्मूला बन रहा है इनके बीच में? जी नहीं बन रहा। जब नहीं बन रहा तो लगाओ भाई अपना देसी फॉर्मूला, साइन कॉस में चेंज। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, ये तो पहले से ही कॉस है तो छोड़ दो इसको, ये तो ये भी कॉट है। हाँ जी, तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। बच्चों गलती हुई है मेरे से, यहाँ पे कॉस लिख दिया था मैंने गलती से, वो कॉट ही होगा। ठीक है, चलो, वन को इससे मल्टीप्लाई, कॉस को इससे मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो क्या बनेगा? कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन में साइन ए। फिर इस तरह इसको इससे, इसको इससे, कॉस ए साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है क्या करना भाई। ठीक है, फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन पलट जाएगी, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए
अपॉन साइन ए, पलट जाओ, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया भाई, ऊपर से कॉस ए कॉमन लोगे वन माइनस साइन ए आएगा, और भाई नीचे से कॉस ए कॉमन लोगे तो वन प्लस साइन ए को आएगा, सही बात है। ऊपर से कॉस कॉमन लिया ना, तो कॉस की जगह इसकी जगह वन, इसकी जगह साइन ए, कॉस कॉमन लिया इसकी जगह वन, इसकी जगह साइन ए, कॉस से कॉस, कॉस ए से कॉस ए कट गया, वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे आंसर साइन में चाहिए? जी नहीं, मुझे कॉस एक में चाहिए, ठीक है जी, यहाँ जो, ठीक है, तो इसको वन माइनस, भाई साइन को कॉस एक में चेंज करेंगे, वन अपॉन में कॉस एक है, इसको भी साइन को भी कॉस एक में चेंज करेंगे तो वन अपॉन में कॉस एक है, हाँ जी, इसको इससे क्या बनेगा, ये कॉस एक ए माइनस वन अपॉन कॉस एक है, फिर सेम केस यहाँ भी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो कॉस एक ए प्लस वन अपॉन में कॉस एक है, हाँ भाई कॉस एक ए से कॉस एक ए कट गया, बचेगा क्या, कॉस एक ए माइनस वन कॉस एक ए प्लस वन, क्या यही प्रूव करना था? जी हो गया, हैंस प्रूव्ड है ना, क्या हो गया भाई, ये हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा, तो इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हमारे लिए खत्म, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आज की क्लास मैंने यहाँ तक आपको करा दी, यहाँ तक आप खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों करवाऊंगा, और साथ ही साथ आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसे नोट कीजिए, ठीक है, और अपनी गलतियां सुधारिए, और जिनको अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए हो जल्द से जल्द फॉर्मूले याद कर लीजिए, नहीं तो परेशानी आएगी। और आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सिर्फ एक बेसिक फंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या, इसके फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सब याद है, ठीक है, तो वीडियो पॉज किया कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा आपने, और मैंने जो आपको फंडा बताया है देसी फंडा, क्या, फॉर्मूले, बस वो याद करके इसको चिपकाते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इससे भी बड़े बड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बाय।